नमस्कार, पुनीत एस्ट्रोलॉजी के अगले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच की राशि मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि की ओर प्रस्थान करेंगे 6 अप्रैल 2021 को। वो 20 जून 2021 तक मार्गी रह करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 8 डिग्री तक उनका गोचर होगा और जब वो 8 डिग्री पे पहुंचेंगे और 20 जून को वो वक्री हो जाएंगे और फिर 14 सितंबर तक वो कुंभ राशि में वक्र गति से गोचर करेंगे। 14 सितंबर को वो मकर राशि में गोचर करके प्रवेश करेंगे, वापस उनकी अवस्था नीचस्थ हो जाएगी और उसके बाद नवंबर के महीने में एक बार फिर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। आइए जानते हैं संक्षिप्त में कि गुरु का ये गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। इससे पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़रूर बेल आइकन दबाएं ताकि आप और मैं जुड़े रहें। आप अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि ज्योतिष का नॉलेज सबको मिले। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए नीचे दिए गए लिंक है। वहाँ पर मैं कुछ और इंटरेस्टिंग छोटे छोटे एस्ट्रो बाइट्स अपलोड करता हूँ, ज़रूर मुझसे जुड़ें। आइए जानते हैं गुरु का गोचर कुंभ राशि में कैसा रहेगा। बृहस्पति देव, गुरुदेव ज्ञान के स्वामी हैं, प्रॉस्पेरिटी के स्वामी हैं। ये विद्या को बढ़ाते हैं, ये जहाँ भी बैठते हैं उस भाव का एक्सपेंशन करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात समझनी होगी, गुरुदेव शनि के साथ थे, नीचस्थ थे, शनि ने उनके सामने एक बाउंड्री सेट करके रखी थी। शनिदेव प्रैक्टिकलिटी के स्वामी हैं, धरातल में ले आते हैं हमें, हमें उड़ने नहीं देते। तो वो ज्ञान, धरातल पर ज्ञान गुरुदेव का हमें मिल रहा था मकर राशि में। अब गुरुदेव बृहस्पति एकादश भाव, काल पुरुष के एकादश भाव में यानी कुंभ राशि में गोचर करेंगे। धनिष्ठ नक्षत्र में उनका गोचर होगा पहले, यानी कि गुरु की जो उपस्थिति है वो सिंह राशि को, तुला राशि को और मिथुन राशि को दृष्टि देगी। तो मिथुन, सिंह और तुला यानी कम्युनिकेशन, वार्तालाप, सिंह राशि यानी आपका आत्मविश्वास और आपकी संतान, और तुला राशि यानी कि आपका बिजनेस और आपका, आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है, जो मैरिड लाइफ है, विवाह जो जीवन है, वैवाहिक जीवन, उसको बृहस्पति दृष्टि देते हैं और उसमें पॉजिटिविटी लेकर के आते हैं। यहाँ पे जो बृहस्पति की पोजीशन, बृहस्पति की जो उपस्थिति है वो अपनी राशि मीन राशि से द्वादश है। मीन राशि द्वादश राशि है, तो द्वादश राशि से द्वादश होने के कारण वो मीन राशि से भावद भावम हो जाते हैं, जिसके वजह से लॉस का कंट्रोल होता है, अनावश्यक खर्चों को ये बचाते हैं और अनावश्यक होने वाली हानि से हमें प्रोटेक्शन देते हैं, उससे हमें कवच बनाते हैं। तो यहाँ पे गुरु की पूजा और भगवान नारायण की पूजा बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। आप सभी विष्णु सहस्त्र नाम का जाप जरूर करें, इससे आपको अवश्य लाभ होगा। और बृहस्पति की जो उपस्थिति एकादश भाव में आती है वो हम सभी के जीवन में नए आय का स्तोत्र लेकर के आती है, एक भिन्न तरीके का आय का स्तोत्र। यहाँ पे ये भी समझना होगा कि बृहस्पति जब एकादश भाव में हैं तो उनकी उपस्थिति राहु और केतु की उपस्थिति को काटती है, यानी अगर राहु केतु ऐसा एक्सेस है तो जुपिटर का एक्सेस ऐसा बन जाता है। तो यानी यहाँ पे ये है कि बृहस्पति देव की जो उपस्थिति है वो बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगी आपको नए काम करने में, नई चीज़ों को करने में, नया व्यापार बनाने में, नए राह जाने में, नए तरीके का करियर बनाने में और नई पढ़ाई पढ़ने में। यानी आपको थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा। आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो उस चीज़ को एक्सपैंड करने के लिए क्या कर सकते हैं वो सोचना पड़ेगा। गुरुदेव जब एकादश भाव में जाते हैं तो साधु सन्यासियों का साथ हमें मिलता है, उनकी कृपा हमें मिलती है। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो हमारे नेटवर्क सर्कल में आएंगे, उनकी प्रेजेंस और उपस्थिति हमारे जीवन को बढ़ाएगी। तो अवश्य प्रवचन ज़रूर सुने गुरुओं का, गुरुजनों का साथ सानिध्य प्राप्त करें और अगर पॉसिबल है
जब समय स्वास्थ्य के मुताबिक रहे, जब जो समाज में अभी चल रहा है वो कम हो जाए, तब आप काशी ज्योतिर्लिंग तीर्थ यात्रा ज़रूर करें। तब आप ऐसी जगह पे जाएं जो आपके समीप हो, लेकिन जहाँ पे आप गुरु की उपस्थिति कर सकें, पा सकें, गुरु का सानिध्य पा सकें। इससे आपके जीवन में न सिर्फ बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलेगी, बल्कि आपके फाइनेंशियल एरिया यानी कि जितने भी पैसों से संबंधित कष्ट हैं वो भी दूर होंगे। लक्ष्मी माँ की उपासना करें, श्री सूक्त का जाप करें, इससे भी आपको फायदा होगा और घर में श्री यंत्र भी स्थापित करें। बृहस्पति देव कम्युनिकेशन को भी एक्सपैंड करेंगे, तो आप सत्यवाणी बोलने का एक वचन ले लें, संकल्प लेके सारे कार्य करें और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि शनि की राशि है कुंभ राशि। साथ में कुंभ एक कर्म फल की राशि भी है, वो हमें हमारे ही कर्मों का फल देती है, तो हमारे कर्मों के फल में सकारात्मकता आए ये बृहस्पति देव कुंभ राशि में निश्चित करेंगे। कर्मों में एक्सपेंशन होगा, तो आप भी अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करें। मेडिटेशन इस बारे में इस ट्रांजिट में बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। ध्यान ज़रूर करें, ईश्वर का ध्यान करें और अपने सगे संबंधियों का साथ कभी ना छोड़ें। यहाँ पे करेक्शन मेजर्स यानी किसी भी चीज़ को सही करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और रिकवरी बहुत सारी होनी शुरू हो जाएगी लाइफ में। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत हानि हुई है इस दुनिया में, तो अब आप नेचर के समीप चले जाएं और अपने कर्मों से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि गुरु जब कुंभ में जाते हैं तो यानी कि कर्म के फल से कर्म का ज्ञान होता है। तो ऐसा आप ना करें बिल्कुल कि कोई भी अगर आप कर्म कर रहे हैं तो उसके फल से आप समझें कि वो अच्छा हुआ या बुरा। आप पहले ही उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दें। बृहस्पति के बीज मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं, इससे भी आपको काफी फायदा पहुंचेगा। आप चूंकि बृहस्पति सीधे सीधे सिंह राशि को दृष्टि देंगे, तो यहाँ पे बच्चों के प्रति आप काफ़ी अपना प्रोत्साहन दिखाएं, बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और उनमें ज्ञान भरने की कोशिश करें, किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन करें। और जो छोटे बालक, जो छोटे बालिकाएं जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते पैसों की कमी के कारण, उन्हें किसी भी प्रकार से आप मदद कर सकें ज़रूर करें। नवम भाव की राशि एकादश भाव में जाने का मतलब ये भी है कि मंदिर जाना, रिलीजियस प्लेस जाने से आपको लाभ प्राप्त होगा। वो जो ऊर्जा है, जो धार्मिक स्थलों की ऊर्जा होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा, वो आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। तो ज़रूर आसपास के मंदिर में दर्शन करने ज़रूर जाएं अपनी आस्था के अनुसार। और अगर आप नास्तिक हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने आप पर विश्वास करें, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। हर व्यक्ति नेचर को भगवान की तरह देखें, रेस्पेक्ट देने की कोशिश करें। जब आप वो करेंगे तो बृहस्पति देव आप पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर के आपको एक्सपेंशन की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे बृहस्पति देव की उपस्थिति जब लॉस को प्रिवेंट करती है तो हेल्थ को भी सुधारती है। यानी आपको अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको अच्छे वैद्य डॉक्टर की कंसल्टेशन मिल जाएगी, कोई ना कोई आपको सजेस्ट ज़रूर करेगा। तो अपने आपको सारे टाइप के सजेशन और कंसल्टेशन के लिए ओपन रखें, क्रिटिसिज्म ना करें। जो मिल रहा है उसे पहले लें, उसे अप्लाई करके प्रैक्टिकल निगाहों से देखने की कोशिश करें। अगर वो आपके लिए सही है तो सही है, अगर करेले का जूस पीना आपके लिए सही है तो सही है। अब वो कंसल्टेशन कहीं से भी आ सकती है, वो आपको आपका दोस्त सजेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप अपने नेटवर्क सर्कल को एक्सपैंड करके बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आपका काम नेटवर्क सर्कल से ही कनेक्टेड है तो उसे भी आप यूज़ करें। सोशल मीडिया का आप यूज़ सकारात्मक प्रयोग अगर आप करेंगे तो आपको अति उत्तम लाभ प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूँ कि बृहस्पति का यह कुंभ राशि का गोचर हम सब के लिए एक नई उमंग लेकर के आए, एक नई उम्मीद लेकर के आए। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ और आपसे मिलता हूँ ऐसे ही बहुत सारे नए ज्योतिष के वीडियो में। आपका जो भी सजेशन है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, आप जो चाहते हैं मैं उस तरह के वीडियो को लाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्ते।